तस्वीर में आपके सामने अपने करीम मुर्शिद जानशीन हजरत हाफिज़ुल हदीस कासमे फिजान सरहंद बरेली जिक्र गोशाए हजूर कयूम जमा शेख़ुल हदीस आलम इस्लाम की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत हजरत पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी सजादा नशीन मरकज अनवार तजदियात दरगाह मुकदसा बिकी शरीफ आपको दावत खिताब फरमा रहा हूँ। आप अपने मलफूजात नूरानिया से हमारे क्लूब जहान को मवर फरमाएंगे और आपके खिताब के बाद इंशाल्लाह जिन बच्चों ने कोर्स मुकम्मल किया है उनको स्नात किस्म की जाएंगी और उलमा को फतावा बिकी शरीफ पेश किया जाएगा। तो इस्तकबाल कीजिए नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तहकी नारा हैदरी आस्ताना या बिकी शरीफ आस्ताना या बिकी शरीफ। अहमदुल्लाह हमद शाकिरीन वउसल्ली अला नबी अलुम्मी वालिह ताहिरीन वासहाबिहिल महदीहीन अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام بعد الزحمت بدرگاہ مجیب الدعوات खालिक कायनात जल्ला वाला व दुरूद व हुजूर सरवर कायनात फख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम रहमत दो आलम हजरत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना मुअज्जज़ सामीन हाजरीन उलमाई किराम वारिसाने मिंबरो मेहराब अस्हाबे अक्लुबीनश अहले मोहब्बतो तरीकत मुहिब्बी फिल्ला मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अजीज़ुल्लाह जलाली खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद सफदर जलाली मुंतज़म महफ़िल हाफिज़ मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा जलाली मुहिब्बी फिल्ला हाफिज़ लियाकत अली जलाली सेक्टी नशोआशात जलावत जलालिया पाकिस्तान मुहिब्बी फिल्ला कारी मोहम्मद अख्तर नूरानी जलाली जन सेक्टी जमात जलालिया ज़िला गुजरात मुहिब्बी फिल्ला हाफिज़ मोहम्मद मजहर हुसैन जलाली मुहिब्बी फिल्ला हाफिज़ मोहम्मद एहसानुल्ला जलाली मुहिब्बी फिल्ला सूफ़ी मेहदी खान जलाली
और दीगर स्टेज पर जलवागर काबिले कदर शख्सियात आज की ये बाबरकत रूह परवर तकरीब सही सहमाई दुरूस फिक्र हो तसव्वुफ के सिलसिला के अंदर फिकी हो तरबियती कोर्स के इख्तिताम पर सजाई गई जमात जलालिया सदवाल और दारुलूम जलालिया मजहर इस्लाम के जेर इंतजाम ये तबलीगी सिलसिला जारी उसारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तबलीगी काविशों को अपनी बारगाह अक्दस के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करते हो फत्तबिउनी तो बस तुम मेरी इत्तेबा करो युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें महबूब बना लेगा यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने वाला मेहरबान है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये तकाजा किया गया कि अगर तुम मोहब्बत इलाही रखते हो तो इत्तबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो और इत्तबाए नबी किस बात को मुस्तलज़म है ये अरबी लुगत पर गौर करने से समझ आती है। चूँकि हमारे यहाँ दो किस्म के अल्फाज और दोनों का माना पैरवी ताबेदारी और फर्मा बरदारी से किया जाता है कलाम इलाही के अंदर एक तकाजा हमसे ये किया गया अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की अतात करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो और एक तकाजा हमसे ये है कि अगर तुम मोहब्बत इलाही रखते हो तो फत्तबिउनी तो इत्तबाए नबी करो। मौजूद सामीन शायद हम उर्दू के अंदर इत्तबा के पूरे मफहूम को अदा नहीं कर सकते दोनों के लिए हम पैरवी को उधार लेते हैं तर्जमा करते हुए लेकिन इत्तबा की हकीकत इस तरह आशना होती है कि देखें जमाने के अंदर इंसानी फितरत और जबिल्लत का ये तकाजा है कि किसी की बात तीन वजूहात के सबब से मानी जाती है या तो इसलिए कोई किसी की बात मानता है कि उसे किसी का डर मौजूद होता है किसी के खौफ की वजह से किसी का मातहत होता है किसी का मुलाजिम होता है उसकी बात मानता है और दूसरा सबब बात मानने का पैरवी करने का फर्मा बरदारी करने का वो तमाम बरारी है किसी के साथ कोई लालच हो किसी से तमा पूरा होने की तवक्को हो तो उसकी बात मानी जाती है उसकी अतात और फर्मा बरदारी की जाती है और तीसरी वजह किसी की बात मानने की कि आदमी को उसके साथ अकीदत होती है उसके साथ मोहब्बत होती है उसके साथ प्यार का ताल्लुक होता है उसके साथ वारफ्तगी का नाता होता है उसके साथ आदमी को इश्क हो जाता है इसकी वजह से उसकी बात मानता है। मौज़ सामीन अगर इत्तेबा का मफहूम जानना हो तो इस तरह जाने कि इत्तेबा उस पैरवी को कहते हैं जो मोहब्बत के सबब किसी की जाए इत्तेबा उस पैरवी को कहते हैं जो इश्क के सबब से किसी की जाए इत्तेबा उस पैरवी को कहते हैं जो प्यार के सबब किसी की जाए उसे इत्तेबा से ताबीर करते हैं। देखें कानून वाले कानून की तारीफ ये करते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर मौजूद है कि इट इज कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सैंक्शन
कि कानून आला इख्तियाराती अथॉरिटी का आर्डर होता है, उसकी कमांड होती है, बैक बाय सेंशन उसके पीछे सजा मौजूद होती है। अगर उस कानून पर अमल ना किया जाए तो आदमी को सजा दी जाती है। ये कानून की तारीफ कानून वालों ने की है। इत्तेबा को समझना हो तो आप इस तरह समझ लें कि इत्तेबा उस पैरवी को कहते हैं बैक बाय लव, जिसके पीछे मोहब्बत का जज्बा कार फरमा होता है, जिसके पीछे अकीदत का जज्बा कार फरमा होता है, जिसके पीछे इश्क नाता मौजूद होता है और इसके सबब से पैरवी की जाती है। मोहसिन सामीन, कलाम इलाही से हमें ये बात मालूम हो गई, बल्कि ये ऐसा नुस्खा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से हमें बतलवाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि इन्हें फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करते हो फत्तबिउनी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करो, मेरी फरमा बरदारी करो, फरमा बरदारी ऐसी जो मोहब्बत के सबब से की जाए, जो इश्क के सबब से की जाए। तो मालूम ये हुआ कि मोहब्बत इलाही का तकाजा इत्तेबाए नबी है और इत्तेबाए नबी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमईन ने जब इस कैफियत को जाना और इस तालीम कुरान को समझा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का तकाजा इत्तेबाए नबी है और इत्तेबाए नबी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हासिल नहीं हो सकती, तो अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमईन के मुबारक नफूस ने उम्मत मोहम्मदिया के अंदर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात को बांटा, इसलिए कि इत्तेबाए नबी की दौलत हासिल हो सके। वो इश्क के बगैर हासिल नहीं हो सकती। इस तकसीम के लिए कभी तो हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातिया कसीदे कहे, कभी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात महबूबे महबूबे कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इस सूरज के फजाइल को बयान किया कि लना शमसुन वलिल्लाह फाके शमसुन, माई साहबा फरमाती हैं कि हमारे लिए भी सूरज है और एक दुनिया का भी सूरज है। आप इरशाद फरमाती हैं कि जो आसमानों का सूरज है वो दिन को तलू होता है और वो अपनी रोशनियां बखेरता है और जो मेरा सूरज है वो रात को अपनी रोशनियों को तकसीम फरमाता है। मौज़े सामीन, इस इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात को जमाने में तकसीम करने के लिए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने नातिया कसीदे कहे और उन मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम से पूछे कि देखें हुक्म तो सिर्फ कलाम इलाही के हवाला से रब ताला की बारगाह से आया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतताहिरून, कि कुरान मजीद को न छूए मगर पाक, जो वजू की कैफियत के अंदर है वो छू सकता है, उसे छूने की इजाजत है। पूछो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से कि जब बुखारी शरीफ की तरतीब बंदी की उन हदीस मुबारका को लिखा तो हर हदीस लिखने के लिए वजू की क्यों जरूरत थी, हर हदीस को लिखने के लिए दो नवाफल की अदायगी की क्यों जरूरत थी, बुखारी शरीफ की तरतीब बंदी के लिए मताफ में बैठना क्यों जरूरी था, रियाजुल जन्ना के अंदर बैठना क्यों जरूरी था। इसलिए कि इश्क का मुफ्ती ये दरस देता था कि ये रसूलुल्लाह के फरमान हैं, इसकी ताजीम इस अंदाज में करो कि जब हदीस मुस्तफा लिखनी है तो वजू के साथ लिखा। इस अंदाज में इबाहर बुखारी रहिमहुल्लाह ने जमाने को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात दी। देखे हमारे सूफिया सिलसिला नक्शबंदिया के ताजदार
हमें दुरूद शरीफ खिदरी की तालीम देते हैं, और जब फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ खिदरी पढ़ना है तो बावजू पढ़ना है। किबला हज़रत सानी साहिब रहमतुल्लाह की ज़बान अक़दस से ये कलिमात मुबारक मैंने कई मरतबा सुने कि जब दुरूद शरीफ खिदरी पढ़ो तो बावजू पढ़ो। भाई बावजू होना शर्त तो नहीं, दुरूद शरीफ तो जिक्र है, जुनबी भी कर सकता है शरीयत के अंदर। हाँ, शरीयत ने तो जायज करार दिया कि जुनबी हालत में भी दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है, मगर जो इश्क रसूल की खैरात बांटने वाले, जो इश्क रसूल की सौगात देने वाले हैं, वो कहते हैं कि मोहब्बत का ये तकाजा है कि जब दुरूद शरीफ खिदरी पढ़ो तो बावजू होकर पढ़ा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इत्तेबाए नबी के लिए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तलज़म है। उसके बगैर इत्तेबाए नबी की दौलत हासिल नहीं हो सकती, इसलिए उम्मत के सलफ सालिहीन हमें दरस देते रहे। कभी ये सबक हजरत मौलाना रूम रहिमहुल्लाह इनायत फरमाते रहे, और कभी हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहिमहुल्लाह इस अंदाज में दर्श इश्क मुस्तफा इनायत फरमाते रहे। तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम बजमुर्दा हो आवाराज ईसिया या रसूल अल्लाह। और कभी यही सौगात इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह कसीदा बुर्दा शरीफ की सूरत के अंदर तकसीम फरमाते रहते। मौज़े सामीन, चूंकि आज मेरा मौजू इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात है, तो इंतहाई इख्तिसार से अर्ज करूं कि जब अंग्रेज ने यह साजिश तैयार की कि अगर उम्मत मोहम्मदिया का नाता तोड़ना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इनके दिलों से खत्म कर दो, तो इन्हें रिसालत का इर्तकाब किया गया। हीलों और बहानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमले करवाए गए। कभी तो अहले ईमान में से ही कुछ लोग खरीदे गए जिन्होंने तनकी से रिसालत की बातें की, और कभी उनने अपने हाथ से ऐसे अफराद पैदा कर लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ उम्मत के ताल्लुक को ज़ईफ किया जाए, कमजोर किया जाए। इस मरहले के अंदर जिस वजूद मसूद को यह सआदत मुयस्सर आई कि उम्मत का नाता इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आका करीम सल्लम से मजीद मजबूत मजबूत कर दिया जाए, वो चांद बरेली की सर जमीन पर 1857 जून के महीने के अंदर तुलू हुआ, और जमाने के अंदर इस कदर फरोग इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक बरपा की कि बर्रे सगीर के अंदर ऐसा बड़ा मुहर्रिक नजर नहीं आता। इमाम अहमद रजा खान रहिमहुल्लाह पुराने मजीद का तर्जमा कर रहे हूं, फिर भी इश्क रसूल की सौगात को बांटते हैं। फिका का मसला बता रहे हूं, तब भी इश्क रसूल की खैरात को तकसीम करते हैं। अगरचे आपके तर्जमा कंसुल ईमान के कई महासिन मौजूद हैं, लेकिन उन खूबियों में से एक खूबी को जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। तर्जमा कंसुल ईमान आपकी इल्मी शान और इल्मी वजाहत को बयान करता है, और कोई बड़े तमाम से नहीं लिखा गया, बल्कि जब मेरे जद्दे आला हुजूर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह के उस्ताद गिरामी हजरत सदरुश्शरिया मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ने आला बरेलवी रहमतुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर आपका बड़ा इल्मी रोहब और इल्मी जलाल है, और जो आप जैसी हस्तियां होती हैं वो कुरान मजीद के तर्जमे का शर्फ हासिल करती हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर तबा आजमाई फरमाएं। तो हुजूर से यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ने जवाबन फरमाया, मसरूफियत बहुत ज्यादा है और मेरे पास वक्त मौजूद नहीं, हाँ दिल रखने के लिए इरशाद फरमा दिया कि दोपहर के वक्त जब मैं आराम करता हूँ अगर आप चाहें तो उस वक्त आ जाया करें, जितना वक्त वो मुयस्सर हुआ मैं उसके अंदर कुरान मजीद के तर्जमा की इमला करवा दूंगा और आप उसे लिखते जाना। ऐसे वक्त के अंदर सैयदी आला हजरत ने
कंजुल ईमान को इमला करवाया। मसरूफियत क्या थी कि आज मुफ्ती साहिबान के पास एक महीने बाद फतवा आ जाए तो वो मसरूफ होते हैं कि उसका जवाब देना है। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह की बारगाह रिसालत में मकबूलियत का ये आलिम था कि चार चार इफ्ता बयक वक्त आप इमला करवा। लिखने वाले एक कागज और दफ्तर लेकर आसपास बैठे होते, चार चार अलग आदमी और अलग अलग सवालों का बयक वक्त चार सवालों का जवाब इनायत फरमा रहे होते। तो हुजूर सैयदी आला हजरत के तर्जमा कंजुल ईमान का यह हुस्न है कि ये इश्के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौगात को बांटता है। जितने मुआसरीन हैं उनके तराजम को देख लें, ये सिर्फ खसूसियत और कमाल सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह के तर्जमे का है कि इसमें अकीदा मासूमियत अंबिया का तहफ्फुज़ फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम मुआसिरीन के तराजम में से सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह के तर्जमे का ये हुस्न है कि ये अकीदा शफात मुस्तफ़ा का तहफ्फुज़ करता है। ये खसूसियत और कमाल सिर्फ इश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात जो उन्हें अपने असलाफ से हासिल हुई थी और जो उन्होंने अपने मानने वालों में तकसीम फरमाई, इसी के सबब आपके तर्जमा शरीफ को यह खसूसियत हासिल है। और फिका आपकी बारगाह अकदस में एक मरतबा सवाल आ गया, चूंकि माए मुस्तामल से वजू नहीं होता, ये फुकहा के हाँ मारूफ मसला है, तो आपकी बारगाह में यह सवाल रखा गया कि हुजूर जो पानी तबर्रुकात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू ले क्या उससे वजू हो सकता है या नहीं। सुनिए सैयदी आला हजरत उसका जवाब लिख रहे हैं। तबर्रुकात शरीफ को किस अंदाज में बयान करते हैं, किस कदर इश्के मुस्तफा की खैरात को तकसीम कर रहे हैं। जुब्बा मुबारका और उमामा शरीफ को लिखते हैं उमामा मुताहरा और असा मुबारक को लिखते हैं कि असा मुकद्दसा, कि इनको जो पानी छू ले उसे वजू ना होना, क्या उससे तो बड़ा बरकतों वाला वजू किया जा सकता है। ये सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह का फिका का वो खूबसूरत नमूना जो इश्के मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात को बांट रहा। देखें हमें उलमाए किराम हमेशा ये सबक और दर्स देते हैं कि कब्र की वाशतों को दूर करने के लिए सूरह मुल्क को पढ़ा करो, जिक्र इलाही किया करो। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया सूरह मुल्क के बारे में कि हिया नाजियतुन व मुंजियतुन, यकीनन इसके सबब से कब्र का अंधेरा दूर होता है। लेकिन सुनिए सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह भी कब्र की तारीकी को दूर करने का नुस्खा इरशाद फरमा रहे, कब्र के अंधेरे को दूर करने का तरीका इरशाद फरमा रहे हैं, कब्र की वाशतों से महफूज रहने का जरिया इरशाद फरमा रहे हैं। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुज़ूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ने इस अंदाज में इश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात को ज़माने के अंदर बांटा। खुद मुजस्सम सूरत में इश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर नजर आए
और जमाने को इश्क मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने के लिए आपने ये अंदाज और ये तरीका अपनाया। एक मकाम पर इसी इश्क की सौगात पर नाज करते हुए, इसी दौलत पर इफ्तिखार करते हुए और इसके इजाफे की दुआएं करते हुए इस अंदाज में हमें सबक देते हैं कि तुम भी इश्क मुस्तफ़ा के पैकर बन जाओ। और इससे क्या लुत्फ होगा, इससे क्या फायदे हासिल होंगे। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज अफजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज अफजू करे खुदा, जिसको है दर्द का मजा नाजे दवा उठाए के। आप फरमाते हैं कि ये इश्क मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह है और इसके अलग होने का मामला नहीं या इसकी बीमारी के इलाज की जरूरत नहीं। रोज अफजू करे खुदा, रोजाना अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मोहब्बत को बढ़ाता जाए, इस इश्क को बढ़ाता जाए। क्यों? इसलिए कि जिसको हो दर्द का मजा, जिसको इस इश्क के सबब से लुत्फ आता हो, नाजे दवा उठाए क्यों? हकीम के पास क्यों जाए, डॉक्टर के पास दवाई लेने क्यों जाए? इसलिए कि ये तो मर्ज ही ऐसा है कि इससे बीमार को लुत्फ नसीब होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बीमारी को और बढ़ाता जाए, इसके अंदर और इजाफा करता जाए। देखें मोहब्बत के हवाला से जो हमारे इंसानी नफ्सियात हैं, मोहब्बत का पहला तकाजा यह है कि इंसान को महबूब वो सबसे ज्यादा प्यारा, और दूसरी बात यह है कि जो मोहब्बत में इससे भी बढ़ जाता है वो सिर्फ महबूब से प्यार नहीं करता बल्कि महबूब की हर निस्बत से प्यार करता। सैयदी आला हजरत इस इश्क के भी मुबल्लग नजर आते हैं, इस दर्जे के अंदर भी आला पाए के आशिक नजर आते हैं और हमें इश्क का इस अंदाज में दरस दे रहे हैं कि सिर्फ महबूब नहीं महबूब की हर निस्बत से प्यार कर। कभी तो सैयदी आला हजरत हमें यह दर्स देते हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बात है, रोजे रसूल से मोहब्बत को सिखला रहे हैं कि इसका इश्क वालों के यहाँ दर्जा क्या है, मोहब्बत वालों के यहाँ इसका मकाम क्या है। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। और फिर देखें मदीना शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर अक्दस है और हर मुश्ताक हर मुहिब कि वो अमान की जगह है, तसल्लियों की जगह है और इत्मीनान की जगह है। सैयदी आला हजरत मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़ने की कैफियत को बड़ी मुश्किल से बयान कर रहे हैं। जाहिर है एक वक्त आया जब इमाम अहमद रजा बरेलवी रहिमहुल्लाह ने शर्फ ज़ियारत हासिल किया, फिर मदीने वाले के काम के लिए फिर हिंद में आना पड़ा। तो जब मदीने वाले के काम के लिए उनकी ड्यूटी को अदा करने के लिए दोबारा आना पड़ा तो साने को बयान करते हैं, खराब हाल किया दिल को पुर मलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निहाल किया। सैयदी आला हज़रत मदीना शरीफ की फुरकत और जुदाई को, मदीना शरीफ छोड़ने को इस अंदाज में बयान कर रहे हैं कि खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया। पुरमलाल कहते हैं तकलीफ ज़दा, दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निहाल किया। यानी आपके शहर अकदस से जुदाई इस तरह थी कि अपने आप को बिल्कुल कमजोर कर दिया, थका मांदा बना लिया। इस कैफियत में मदीना तुन नबी से निकला हूं। तो ये सैयदी आला हजरत रहिमहुल्लाह का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का नाता है और हमें भी इसी तरह का सबक इनायत फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से आपको मोहब्बत है। देखें सलाम तो लिखने बैठे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में,
आका के हुजूर सलाम पेश करने के लिए बैठे, सलाम बा हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, मगर मोहब्बत ने मजबूर कर दिया कि महबूब की हर शय महबूब होती, महबूब की हर निस्बत महबूब होती है। तो मोहब्बत से कह दिया खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। आज लोग सैयदी आला हजरत की पर्ची तो लगाते हैं, मार्का तो सैयदी आला हजरत का होता है, लेकिन चूरन इब्ने तैमिया का बेचते हैं। इमाम अहमद रजा से पूछें, जिनके बारे में फरमा रहे हैं कि बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम, खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। देखें बेलौस, बेलौस का मतलब होता है बेतमा। बरेली की फिक्र क्या है, आला हजरत की फिक्र क्या है कि रसूलुल्लाह का खानदान बेलौस है, रसूलुल्लाह का खानवादा बेतमा है। और जो ये कहे कि लुकमाए हराम की तरफ तवज्जो की और सैयदना आसिदी के अकबर रदी अल्लाह तआला ने लुकमाए हराम से बचाया, बरेली के ताईदार तो फरमाते हैं ये बेतमा हैं, तो फिर लुकमाए हराम की तरफ तवज्जो कैसी। जो सैयदा जहरा के कनीज गुलाम हैं, जो सैयदा जहरा की कनीजे हैं, लुकमाए हराम क्या लुकमाए मशकूश की तरफ तो वो भी नहीं देखते। इसलिए आंखें खुले रखने की जरूरत है। लिबास खिद्र में फिरते हैं हजारों राहजन, मार्का आला हजरत का और चूरन इब्ने तैमिया का बेचा जा रहा है। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह मोहब्बत का एक उससे आगे वाला दर्जा भी है। महबूब की हर शय महबूब होती है, और जो महबूब से दुश्मनी रखे, जो महबूब से अदावत रखे उसके साथ भी दुश्मनी रखी जाती है। जो महबूब का अदुव है उसे अपना अदुव समझा जाता है, जो महबूब का दुश्मन है उसे अपना दुश्मन समझा जाता है। और ये इश्क का सबसे आला तरीन दर्जा है। और सैयदी आला हजरत इस दर्जे की कि इश्क मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये दर्जा हासिल कर लो, ये मकाम हासिल कर लो, और इस बात की तबलीग और इसका दरस और इस खैरात को इस तरीके से बांटते हैं कि गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मौज़ा सामीन, आप ये सबक देते हुए फरमाते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुलहदों की और क्या मुरव्वत कीजिए। तो ये सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह वो हस्ती मुबारका हैं कि जिन्होंने इस अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ उम्मत को मजबूत किया, उनके ताल्लुक को पुख्ता किया और उनके रिश्ते को पुख्ता किया। अगर आपके दरस की इफादियत को मुअल्लम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से आपकी तालीम को परखना है तो सिर्फ इस अंदाज में परख लें कि इस सदी के अंदर जितनी भी तौहीन रसालत की जसारतें हुई हैं उन सब मोहने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज जिन शख्सियात ने किया है उन सब हस्तियों का ताल्लुक इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह के तबका के साथ।
इससे मालूम होता है कि किस कदर आपने इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौगात को बांटा और खैरात को तकसीम किया। अगर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह हैं तो सैयदी आला हजरत के जाम पीने वाले, अगर गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह हैं तो सैयदी आला हजरत के जाम पीने वाले हैं, अगर गाजी आमर शीमा शहीद हैं तो सैयदी आला हजरत के जाम पीने वाले हैं। जितने गाजी देख लें इस सदी के अंदर आए सारे वो हैं जिन्होंने बरेली के जामेश को मोहब्बत से जाम पिए। अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए, चूंकि अभी असनाद और इनामात तकसीम किए जाएंगे, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि इसी जज्बे इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरोग का एतराफ करते हुए आले मोहब्बत कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, हिकमत आला हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। वमा अलैया इल्ला बलागुल मुबीन। इस मौजू के हवाला से अगर किसी के जहन के अंदर कोई सवाल मौजूद हो तो वो सवाल कर सकता है।